वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि आपको 1 अप्रैल से हम यहां पे अपने इसी प्लेटफॉर्म पे टारगेट D SSS पे, यानी D SSS जो कि दास ग्रेड 2, दास ग्रेड 4 और DOE के जो कि टीचिंग एग्जाम होने वाले हैं, उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्रैक करना है, उसी के जो मटेरियल होगा उसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। यानी हम सारे टॉपिकों को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो उसी सीरीज में आज हम ज्योग्राफी की, मैंने आपको 3 वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ और ये ज्योग्राफी की 4th वीडियो है। तो हम जीएस में पहले जीएस में हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। और ज्योग्राफी जो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भाई यदि आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप एक एटलस और कुछ मैप प्रैक्टिस के लिए वो परचेज कर लीजिएगा। मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे मैप आपको लेने हैं। देखिए, इस टाइप की बुक आती है मार्केट में, अवेलेबल होंगी इस टाइप की बुक। अब इसके अंदर ऐसे मैप होंगे, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अपने, अब ऐसी कोई भी परचेज कर लीजिएगा और वहां से आप प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो भाई हमने अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लिया है, हमने ये जान लिया है कि भारत की अवस्थिति और विस्तार कहाँ कहाँ है, हमने इसके बारे में जाना था जो कि लेटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे उसी रिगार्डिंग लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। देखिए भाई, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है लक्षद्वीप। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि लक्षद्वीप पर कितने द्वीप हैं। भाई लक्षद्वीप पर 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप पर 36 द्वीप हैं और जो आपका अंडमान एंड निकोबार है इसके ऊपर 572 है। ये चीज भाई याद कर लीजिएगा, बिल्कुल, ये लक्षद्वीप है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार पर 572। ये चीजें जो आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये आप बिल्कुल राइट डाउन करते जाएं, क्योंकि आगे HCS का भी आपने कल एग्जाम देखा होगा, उसमें भी सेम फैक्ट पूछे जा रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। तो ये वह लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। लक्षद्वीप पे का जो निर्माण है लक्षद्वीप को, ठीक है, क्या है, प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप, इसका जो निर्माण हुआ है लक्षद्वीप, उसका निर्माण मोगा चट्टानों से हुआ है, मोगा चट्टानों से, ठीक है। जो लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है, लक्षद्वीप का निर्माण मोगा चट्टानों से हुआ है और लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप होता क्या है, अब ये जान लीजिए। जो प्रवाल जो द्वीप होता है, प्रवाल द्वीप जो होता है, भाई प्रवाल द्वीप में ना आपको ना एक 2 सेंटीमीटर के छोटे 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 जीव होते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। वो एक जगह पे क्या होते हैं, वो इकट्ठे होते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लाइक दिस, ऐसे एक जगह पे ऐसे इकट्ठे रहते हैं। और ये किस चीज के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। और ये क्या खाते हैं, ये चूना खाते हैं भाई, ठीक है। तो एक जगह ऐसे इकट्ठे होते रहते हैं, तो काफी सैकड़ों के बाद ना जब इकट्ठे इकट्ठे होते 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 ये काफी बड़ा हो जाता है, कई सालों के बाद एक द्वीप बन जाता है। ऐसे द्वीपों को प्रवाल द्वीप कहते हैं। और ये जो चट्टानें होती हैं मोगा चट्टानों की होती हैं। ये भाई जो द्वीप बनते हैं, ये गर्म पानी में, गर्म पानी जहां पर होता है वहां पर इस प्रकार का द्वीप का निर्माण होता है। तो ये आपने जान लिया। ये भाई फिर मछलियों के लिए भी सेफ होते हैं, क्यों, जो बीच में क्या गैप होता है ना, मछलियां शिकार करके यहाँ पे छिप जाती हैं, यहाँ पे इनके बीच गैप होता है, ठीक है। तो मछलियों के लिए भी ये सेफ है। तो हमने जाना कि भाई गर्म पानी में होते हैं, ठीक है, ये प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, मोगा चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। और जो आपका मालदीव है, मालदीव का निर्माण भी मोगा प्रकार की चट्टानों से ही हुआ है, ठीक है, वो भी प्रवाल द्वीप है। जो आपने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे, ये ऑस्ट्रेलिया में भाई, ऑस्ट्रेलिया में है। इसका निर्माण भी, ये भी प्रवाल द्वीप ही है, मोगा चट्टानों से ही हुआ है, प्रवाल द्वीप है, ये सभी प्रवाल द्वीप होते हैं, ठीक है। तो ये आपने जाना है। अब इसी के बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अंडमान सॉरी लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है।
लक्षद्वीप की जो कैपिटल है भाई वो देखो कवारती, लक्षद्वीप की कैपिटल है, याद करना, याद रखना इस चीज को, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। दूसरी बात, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। राइट, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप एड्रोथ है, एड्रोथ, एड्रोथ यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन रहती है उसकी अराउंड 90-92% मुस्लिम है। राइट, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए अब यहाँ पे दो वो हैं, क्या है, दो है, 8 डिग्री चैनल है और 9 डिग्री चैनल है। तो भाई देखो, मालदीव, मालदीव और आपका जो मिनी कोए है, मालदीव और मिनी कोए के बीच में, ठीक है, मालदीव और मिनी कोए के बीच में आपका है 8 डिग्री चैनल। एग्जाम में आएगा कि 8 डिग्री चैनल कहां पे है, और जो 9 डिग्री चैनल है, जो 9 डिग्री चैनल है वो 9 डिग्री चैनल मिनी कोए वे लक्षद्वीप के बीच में। ये क्वेश्चन आएंगे, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी कोए के बीच में है, ठीक है। नीचे 8 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, इसके ऊपर भाई 9 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे मालदीव है, ये मिनी कोए है और ये लक्षद्वीप है, ठीक है। ये 8 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री मैंने आपको यही बता दिया था कहाँ पे है, आपको पता होगा। तो भाई ये थी इसके बारे में जो आज हमने डिस्कस किया है, आपका लक्षद्वीप। अब और कुछ द्वीपों के बारे में फैक्ट देख लीजिएगा, बिल्कुल फैक्ट है भाई, वो बिल्कुल याद करने होते हैं, फैक्ट तो बिल्कुल याद करने ही है, फिर जो भी वो फैक्ट है। एक देखो यहाँ पे ये है भाई, यहाँ पे एक नदी गिरती है, वो नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। और जो आपका ये अब्दुल कलाम विलर द्वीप, जो नाम चेंज करके अब्दुल कलाम विलर द्वीप रखा गया है, वो भाई यहीं पर है, अब्दुल कलाम विलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है, अब्दुल कलाम द्वीप यहीं पर है भाई, ठीक है, इस पे, यहाँ पे। दूसरी बात, जो यहाँ पे जो श्री हरिकोटा द्वीप है भाई, श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है, वहां पे आपको बताइए 30 धवन के अंदर है, नासी सभी होता है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। ब्राह्मणी नदी ये है, ये बताऊं तो, और ऐसे ऐसे आके उड़ीसा में ऐसे गिरती भाई, ये है ब्राह्मणी नदी। और यहाँ पे अब्दुल कलाम विलर द्वीप है, जहां से आप ये देखते होंगे कि भाई कोई मिसाइल का जो प्रशिक्षण होता है वो यहाँ पे होता है। और जो यहाँ पे है, जो वो है यहाँ पे, वो है आपका श्री हरिकोटा द्वीप, जहां से जितने की सैटेलाइट भेजे जाते हैं, ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप। अब इसके बारे में आके देखो, यहाँ पे है वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता। तो याद रखना, कलकत्ता एक बंदरगाह नहीं है, यानी समुद्री बंदरगाह नहीं है, तो बिल्कुल समुद्र के ऊपर है। कलकत्ता हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर है, यानी समुद्र पे नहीं है, बिल्कुल समुद्र के यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे हो, वो हुगली नदी के किनारे है, हुगली नदी। और जब हुगली नदी यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पे दो द्वीप बनते हैं, एक तो है भाई गंगा सागर द्वीप, एक न्यू मूर द्वीप, ठीक है। हुगली नदी के किनारे पर दो द्वीप हैं, गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप। तो ये चीज आपको होगी। अब बात करते हैं किधर, देखो यहां पे आई है, यहां से ऐसे,
या ये नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी जब जाती है खंबात की खाड़ी में, देखो ये जो खाड़ी है ना, ये है खंबात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी, इधर ऐसे मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तो ये देखो, ये है यहाँ पे पहले खंबात की खाड़ी, तो जब खंबात की खाड़ी में जब गिरती है ये कौन सी नदी, खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी, याद रखना भाई, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी यहाँ से, ये नर्मदा नदी जब खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये देखो एक ये गोल गोल सी संरचना दिखाई दे रही होगी, ये गोल गोल सी संरचना, ये जो है ये है आपका अलिया बेट, अलिया बेट द्वीप है, अलिया बेट द्वीप है ये, ठीक है, जहां पे कि ये क्या नाम है, ज्यादातर अभी इसकी खोज चल रही है, पेट्रोलियम के सोर्सेज भी मिले हैं वहां पे, पेट्रोलियम के काफी और स्रोत भी मिलने की आशंका है, तो वहां पे अभी खोज चली हुई है। अब आते हैं मुंबई, भाई मुंबई, बॉम्बे से मुंबई में थोड़ा सा आगे है एक किनारे पर ही ये एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा, ठीक है, ये ऐसे एलिफेंटा द्वीप, आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंटा द्वीप है जो वो कहाँ पे है, तो एलिफेंटा जो द्वीप है वो आपका द्वीप है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। और मुंबई जो है वो साल सील द्वीप पर है, मुंबई जो है यहाँ पे वो साल सील द्वीप पर है, ये एलिफेंटा ए आएगा, एलिफेंटा, मुंबई जो है वो साल सील द्वीप पर है, मुंबई कौन से द्वीप पर है, साल सील, ठीक है। और मुंबई से आगे चलते ही कौन सा द्वीप आ जाता है, एलिफेंटा द्वीप, मुंबई के बिल्कुल पास एलिफेंटा द्वीप है। तो आज हमने जो मेन मेन, अब हाँ, अब एक चीज और रह गई हमारी, क्या रह गई, वो ये रह गई कि भाई अभी हमने बात की थी खंबात की खाड़ी, अब बात करते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। भारत और जो श्रीलंका के बीच में, देखो ये जो है, ये है जो, ये है भाई मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी किस किस के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। और जो ये मन्नार की खाड़ी है ना, इसी का जो पूर्वी हिस्सा हुआ, पूर्वी हिस्सा मतलब जो इस तरफ का जो हिस्सा है, इस तरफ का जो हिस्सा है वहां पे, उसी को ही ये कहते हैं कि जो पंबन द्वीप भी उसी को कहते हैं, पंबन द्वीप, पंबन जो द्वीप है ना वो मन्नार की खाड़ी पर ही है भाई पंबन द्वीप, और जिसको कि रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। और रामेश्वरम द्वीप का जो सबसे पूर्वी जो हिस्सा है, ठीक है, रामेश्वरम द्वीप यहाँ पे है, ये इसका जो पूर्वी हिस्सा है उसको कहते हैं धनुषकोडी, धनुषकोडी, ठीक है। आपने नाम सुना होगा आदम ब्रिज, आदम ब्रिज जिसको कि बनाने के लिए काफी मेहनत हो रही है कि भाई आदम ब्रिज बनाएंगे, भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए आदम ब्रिज का निर्माण होगा, तो वह धनुषकोडी से ही स्टार्ट होता है। और कलाई मरनाल है श्रीलंका में, कलाई मरनाल श्रीलंका में है, यहां तक वो जाता है, ठीक है। यहां पे है आपने जाना मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी में धनुषकोडी है, पंबन द्वीप भी उसी पर है, पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। और जो आदम ब्रिज है या रामेश्वरम द्वीप का पूर्वी जो भाग है, बिल्कुल पूर्वी भारत में जो पड़ता है वो है धनुषकोडी, धनुषकोडी से ही आदम ब्रिज स्टार्ट होता है और कलाई मरनाल श्रीलंका तक जाता है। और ये तो गया, एक है भाई पाक जल संधि, वो यहाँ पे है, ठीक है, पाक जल संधि, तो ये आता है कि भारत और श्रीलंका के बीच, या पाक जल संधि कहाँ है, ऑप्शन मिलेगा भारत पाक, ऑप्शन होता है भारत श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। अब आपका क्वेश्चन है आज का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपका क्वेश्चन ये है जो आपको फाइंड आउट करना है,
क्वेश्चन ये होगा आपके लिए कि जल संधि क्या होती है। हिंदी में तो खाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में बे होती है और एक गल्फ होती है, यानी बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है? जो चैनल हम कहते हैं कि 7 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इन चैनलों में ये चैनल क्या होते हैं? यानी तीन क्वेश्चन हो गए आपके, एक तो जल संधि क्या होती है, एक आपका बे और गल्फ के अंदर डिफरेंस, हिंदी में दोनों को ही खाड़ी कहते हैं लेकिन बे और गल्फ के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन है जल संधि बे और गल्फ के बीच में डिफरेंस, और एक थर्ड क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद एफर्ट करके सोल्व करने की कोशिश करनी है कि ये आखिर होते क्या है। तो हम आपसे जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे कल, तो आज के लिए इतना ही। तो भाई अच्छे से मेहनत कीजिएगा और इसको मैप के जरिए पढ़ने की कोशिश करिएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।